भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे अर्गला स्तोत्र एवं कीलक स्तोत्र को। सबसे पहले हम सुनते हैं अर्गला स्तोत्र। आइए शुरू करते हैं। ऋषि मार्कंडे जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंड देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुयश, रूप, जय, यश तो तथा काम, क्रोध आदि का, शत्रु का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाले भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने काली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों को नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम परम सुख दो, रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। हे माता, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मनिये घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो।
बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली हे चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य। हे प्रामेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड भी नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूप समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके ही महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। जय मां अंबे, जय मां दुर्गा। इसी के साथ अर्गला स्तोत्र की समाप्ति होती है। अब हम कीलक स्तोत्र को श्रवण करेंगे। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जपने के ही सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध होते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ
स्तोत्र है। उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। साधक इसी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सभी कुछ भगवती को अर्पण कर देता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है, जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय कभी नहीं सताता, ना ही उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर भी वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्त्रोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य आरोग्य संपत्तियां शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय मां दुर्गे।